Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing great. So today's video is going to be on an Amazon accessory haul, and in today's video I'll be sharing with you all some of my most worn accessories. And accessories mein earrings, jewelry sets hai and watches bhi hai, and most of them are absolutely affordable. And ye aisa category hai jo ki aap daily ke liye pehen sakte hai. Chahe aap saree pehno, kurta pehno, dress pehno, kuch bhi, western bhi pehno, to bhi aap inme se kuch bhi agar पहनोगे ना तो यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड प्लस अफोर्डेबल भी है. सो अमेजोन पे चल रहा है उनका प्राइम डे सेल जो कि 15th एंड 16th को ही है. आज 16th है, सो टुडे इज द लास्ट डे. एंड आई किड यू नॉट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, नॉट ओनली ऑन एक्सेसरीज बट ऑल्सो ऑन क्लोदिंग, ऑन हाउस होल्ड एंड एवरी थिंग पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है. सो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल माई मोस्ट वोन एक्सेसरीज. ऑल ऑफ द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. सो फर्स्ट आई विल बी शोइंग यू ऑल ऑल ऑफ द एक्सेसरीज that I have been wearing like crazy for the past few days and few months. So the first one is a recent purchase that I haven't showed before. This is by Young and Forever, and this is a earring set. तो ये कुछ इस type से, इसमें आपको दो colors मिल जाएंगे. बहुत ही ज्यादा light weight earrings है, plus they are so good quality. And turquoise एक ऐसा color है जो कि आप almost कोई भी color के साथ पहन सकते हो, be it red, blue, yellow, white, black, कोई भी कलर के साथ टर्कोइज कलर जो है बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, सेम एज एमरल्ड कलर. सो आई हैव बीन वेयरिंग दीज इयररिंग्स लाइक क्रेजी फॉर द पास्ट फ्यू डेज, एंड बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है. ये कुछ 500 के आसपास का है, नॉट सुपर अफोर्डेबल बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ यूज आउट ऑफ दिस. उस हिसाब से ये बहुत अच्छा परचेज है. उसके बाद आई हैव दीज this entire set by Zaveri Pearls. So ये वाला जो set है हाल ही में मैंने बहुत ज्यादा इसे पहना है, and ये इसमें आपको तीन से चार pieces मिल जाएंगे. So the first one is this choker जो कि golden and sorry rose gold and इसमें AD के diamonds लगे हुए है. This is so lightweight and पहनने के बाद इतना ज्यादा pretty लगता है. And इसके साथ साथ आपको ये bracelet भी मिल जाएगा. So if you don't want to wear the entire set, आप इसके कुछ जो parts से वो पहन सकते हैं. जैसे इसके साथ अगर मैं पहनती तो आई वुड वेयर अ ब्रेसलेट एंड आई वुड बी गुड टू गो. सो ये ब्रेसलेट कुछ इस टाइप से है, एंड इसके साथ इस टाइप के इयररिंग्स भी मिलते हैं. एंड द इयररिंग्स आर आल्सो सो वर्सेटाइल, इतने ज्यादा लाइट वेट है एंड बहुत सिंपल है. सो कोई भी एज ग्रुप आप अगर हो तो आप डेफिनेटली इन इयररिंग्स को या तो चोकर या फिर आप ब्रेसलेट इनमें से पहन सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट वोन सेट्स, एंड मोस्टली मैंने इसे साड़ी एंड कुर्ताज के साथ बहुत ज्यादा पहना है. उसके बाद अनदर ब्रेसलेट दैट आई वेयर अ लॉट इज दिस वन. दिस इज बाय शाइनिंग डीवा आई सपोज, एंड ये एक रोज गोल्ड ब्रेसलेट है. एंड कंसिडरिंग इन ज्वेलरीज को मैंने इतने बार पहना है, फिर भी इनमें से मोस्टली सारे ज्वेलरीज का कलर टार्निश बिल्कुल भी नहीं हुआ है. 200 से लेके 500 के बीच में जो भी ज्वेलरीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ा. अपने ज्वेलरी बॉक्स में एक साथ सारी ज्वेलरी रखते हो, फिर भी बिल्कुल खराब नहीं हुआ है. सो ये कुछ इस टाइप से अगेन आपको AD का मिल जाएगा, एंड रोज गोल्ड के साथ है तो आप लिटरली कोई भी आउटफिट के साथ इसे पहन सकते हैं. यू कैन वेयर इट एज कॉर्पोरेट वेयर, पार्टी वेयर, कैसे भी आप इसे पहन सकते हैं. उसके बाद देयर इज दिस सेट दैट आई पेयर ऑफ इयररिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम Zaveri Pearls, जिसे मैंने लास्ट मंथ लिया था. एंड ये भी टर्कोइज के साथ है, बिकॉज ये टर्कोइज कलर जो है, टर्कोइज एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल जाता है. जैसे अगर मैं इनके साथ लाइक इस बहुत ही ज्यादा प्रिंटेड टॉप के साथ भी पहनती तो भी बहुत ही प्रिटी लगता. सो हुप्स है, अगेन कोई भी ड्रेस के साथ चल जाएगा, एंड बहुत लाइट वेट है. एंड प्लस इसे मैं इतना ज्यादा पहन चुकी हूँ, इसका बिल्कुल मतलब कहीं से भी कलर जो है बिल्कुल उतरा नहीं है. बहुत ही ज्यादा लाइक अच्छा पीस था ये. उसके बाद आई गॉट दिस, ये भी अगेन मोस्टली सारी ज्वेलरी Zaveri Pearls से मैंने लिए है. सो आई गॉट दिस वन, एंड ये भी अगेन रीसेंट परचेज है, एंड ये अराउंड 200-250 के रेंज में था. एंड इसमें आप अगर कलर्स देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा सटल कलर्स है. ये भी ऐसा है कि आप कोई भी प्लेन आउटफिट के साथ या प्रिंटेड आउटफिट के साथ पहन सकते हैं. जैसे कि इसके साथ पहनती अगेन
फिट हो जाता, अच्छा लगता. द रीजन दैट आई हैव वोन दिस एब्सोल्युटली लाइक यू नो प्रिंटेड टॉप इज टू शो दैट मोस्टली ज्वेलरीज जो है मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सारे आउटफिट्स एंड प्रिंट्स के साथ चल जाएंगे. तो ये भी काफी प्रिटी पीस है एंड इसका भी कलर एंड ऑल बिल्कुल नहीं उतरा है, टोटली वर्थ द मनी. उसके बाद आई गॉट दिस, ये एक ही पीस है जिसका कलर थोड़ा बहुत उतरा है बट इसे मैंने इतना ज्यादा पहना. दिस इज बाय यू बेला एंड दीज आर लाइक प्लेन हुप्स जो अगेन कोई भी आउटफिट के साथ चल जाएगा. सो आगे से इसका कलर बिल्कुल भी नहीं उतरा है, बस पीछे से ये टोटली लाइक ब्लैक हो चुका है बट स्टिल इट डज नॉट लुक ब्लैक क्योंकि ये ओवरऑल ब्लैक हुआ है तो इट लुक्स लाइक अ गन मेटल कलर एंड नॉट समथिंग लाइक यू नो जो कि लाइक रस्टी नहीं लग रहा है बिल्कुल. सो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा पीस है. ऑब्वियसली आप इसे फ्रंट के साइड में पहनोगे तो ये बिल्कुल लाइक पीछे से विजिबल नहीं होगा. सो ये भी काफी अच्छा पीस है. उसके बाद आई गॉट दिस एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट नेक पीसेस, इसे मैं इतना ज्यादा अगेन पहनती हूँ. सो आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ नेक पीसेस जिन्हें आप यू नो आप चाहे तो इसे ऊपर करके भी इस टाइप से पहन सकते हैं एंड इसे लाइक थोड़ा सा नीचे करके भी पहन सकते हैं. इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू माइट हैव सीन दिस ज्वेलरी पीस अ लॉट मेनी टाइम्स इन माई पोस्ट. ये भी इसका कलर बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो आप बहुत ज्यादा अच्छा शाइन है. इसका चेन भी है जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी सा पीस है. इसमें आपको और भी बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे. ये साड़ी के साथ भी चलता है एंड ड्रेसेस के साथ भी चलता है, अगेन वेरी लाइट वेट. उसके बाद आई गॉट दिस पीस फ्रॉम प्रियसी, ये मेरा रीसेंट परचेज है अगेन एंड आई हैव बीन वेयरिंग दिस पीस लाइक क्रेजी अगेन. तो ये कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डेंटी सा यहाँ पे आपको नेक लेस मिल जाएगा. मतलब ये आप ऑब्वियसली दूसरे पेंडेंट्स के साथ भी पहन सकते हैं एंड इसके साथ ये ब्लैक कलर का कुछ इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा हल्का सा पेंडेंट मिलेगा. इसमें एक ही सिंगल कलर अवेलेबल था बट सिंस ब्लैक कलर है तो अगेन बहुत सारे आउटफिट्स के साथ मैच हो जाएगा. सो दिस एंड इसके साथ साथ जो ईयर रिंग्स दे रखे हैं इनकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. दिस इज आई थिंक जिरकॉन्सिल, सो जिरकोनिया ऐसे कुछ तो है, नॉट जिरकॉन्सिल. सो ये कुछ इस टाइप से है एंड द ब्लैक डायमंड लुक्स रियली शाइनी एंड इसके साइड वाले जो डायमंड्स है ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है. प्लस पहनने के बाद ये सेट इतना ज्यादा प्यारा लगता है, इतना सिंपल सा लगता है एंड मोस्टली मैंने इसे अब तक साड़ीज एंड सूट्स के साथ बहुत ज्यादा पहना है. उसके बाद आई हैव दिस पीस जो कि लाइक दीज पेयर ऑफ इयर रिंग्स, जो इसे मुझे लेके काफी ज्यादा टाइम हो गया है एंड दिस पीस इज सो इम्प्रेसिव. इट हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल बिट ऑफ कलर फ्रॉम एनी वेयर एंड इसे तो मैं बहुत मतलब इयर रिंग्स का एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे इयर रिंग्स के साथ रखती हूँ, फिर भी कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ा एंड अगेन 200-300 के रेंज में बहुत ही ज्यादा प्यारा है. दिखने में काफी हैवी लगता है बट ये बिल्कुल हैवी नहीं है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली रिच. सो आई रियली लव दिस. ये एक्चुअली सिंगल पीस भी मिल रहा था एंड आई थिंक ये सेट में भी मिल रहा था, जैसे जवेरी पर्ल्स के जो यू नो सेट मिलते हैं सेट ऑफ 9 इयर रिंग्स उसमें भी ऐसे मिल रहा था तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. उसके बाद आई गॉट दीज लाइक पर्ल इयर रिंग्स एंड ये वाले जो पर्ल इयर रिंग्स है पर्ल ऐसा है जो कि आप अगेन कोई भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं. बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस पीस है एंड इसके पर्ल्स जो है थोड़े से बड़े हैं तो हल्का सा स्टेटमेंट पीस भी लगता है. नेक्स्ट मैंने ये पर्ल वाले इयर रिंग्स लिए, आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है ये नॉर्मल इयर रिंग से हल्का सा बड़ा है एंड पर्ल इज सच अ टाइमलेस ज्वेलरी. मतलब आप कोई भी लिटरली कोई भी सिल्वर या ब्लैक या गोल्डन कोई भी आउटफिट के साथ आप पर्ल्स जरूर पहन सकते हैं, कोई भी कलर के साथ आप इसे पहन सकते हैं. सो आई रियली लव दीज इयर रिंग्स एंड दिखने में भी काफी ज्यादा रिच लगता है बट ये बहुत ज्यादा सस्ता था एंड इसका भी मतलब लिटरली कहीं से भी कलर थोड़ा भी टार्निश नहीं हुआ. सो ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं. इनमें आपको छोटे वाले साइजेस भी मिल जाएंगे डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए, कॉलेज वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. यू कैन ऑब्वियसली वेयर दीज इन पार्टीज एज वेल अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस. सो ये लिया है नेक्स्ट. उसके बाद आई गॉट दिस चेन इयर रिंग, अगेन सिल्वर कलर का, इसमें गोल्डन भी आता है. ये थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हो स्टेटमेंट टाइप का पीस है तो ये मोस्टली वेस्टर्न वेयर के साथ काफ़ी अच्छा चल जाता है. सो दिस इज हाउ द पीस लुक्स लाइक. अगेन
आई हैड बॉट दिस कपल ऑफ मंथ्स अगो एंड आई हैव बीन वेयरिंग दिस लाइक क्रेजी. बहुत ज़्यादा अच्छा सा पीस है एंड ये भी बहुत सारे और भी आउटफिट्स के साथ चल जाता है. सो यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस विथ योर वेस्टर्न वेयर एंड नॉर्मल टॉप एंड जीन्स, जिसका यू नो गला थोड़ा सा अगर बड़ा हो या फिर इवन इफ इट इज़ लाइक टर्टल नेक, उसके साथ भी चल जाता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा पीस है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू चेक दीज पीसेज एंड टू इन्वेस्ट इन दीज पीसेज, बिकॉज प्राइम डे सेल में ये जो पीसेज है, मतलब सारे प्राइजेस मैंने चेक किए, थोड़े बहुत कम रेट में आपको मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू अ नॉन सेल डे. तो प्राइम डे के लिए आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स में ये सारी चीज़ें मिल रही है. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सेसरीज लाइक वॉचेस, ये भी एक्सेसरीज ही थे. वॉचेस, माई मोस्ट वोन वॉचेस एंड मोस्टली सारे टाइटन से ही है, बिकॉज आई फील दैट इसमें आपको प्रीमियम यू नो लुक में मिल जाएगा प्लस अफोर्डेबल रेट में भी मिलेगा. नाउ प्राइम डे में अगर आप लोगे तो अराउंड 300 to 800 रुपीज़ का फ़र्क है, बिकॉज आई हैव बीन यू नो प्लानिंग टू शो दीज वॉचेस सिंस अ वाइल नाउ, क्योंकि इतने टाइम से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ. दीज आर नॉट रीसेंट परचेसेस. तो मैंने देखा कि प्राइम डे में अराउंड इतने का फर्क है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप तुरंत ही परचेज करना बिफोर दे गेट आउट ऑफ स्टॉक. सो द फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू शो यू ऑल इज दिस वन. एंड इस वॉच को लिए हुए 3 से 4 साल हो गया है एंड इट इज Still in good condition. So ये Titan का watch है, इसमें आपको टाइमैक्स भी मिल जाएगा थोड़ा सा affordable और affordable rate में. But I would highly recommend you all to check this one, क्योंकि मैं इसे 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, एक स्क्रैच नहीं पड़ा इस पर. अगेन यू कैन गो ऑन टू माई इंस्टाग्राम पेज एंड यू कैन चेक कि मैं इन घड़ियों को कितना ज़्यादा पहनती हूँ. सो ये अगर आई थिंक 2,300 या 2,500 के रेंज में डायल भी मिल जाएगा एंड डायमंड वाले डायल्स भी इसमें आ जाते हैं. चेन इसका टोटली सिंपल है एंड एवरीडे यूज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. इफ अगर आप यू नो किसी को गिफ्ट करने के लिए भी देख रहे हैं, दिस इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आई नो दैट कितने भी साल हो जाए बिल्कुल खराब नहीं होता. सो दिस इज द फर्स्ट पीस. द सेकेंड वन इज दिस वन. ये अराउंड 7,000 रुपीज का लिया था, बट सेल में आपको ये 5 से 6,000 के बीच में मिल जाएगा. अगेन इट्स अ टाइमलेस पीस बाय टाइटन. इसमें वॉन्डरलस्ट लिखा है, बट इसमें आपको 3 यू नो डायल के पैटर्न्स मिल जाएंगे ऑल इन वाइट. एंड ये इसका जो चेन है ये ब्रेसलेट फॉर्म में है. तो ये अगेन बहुत ही ज़रूर सुंदर सा पीस है. इवन दो इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ क्वर्की डिजाइन, आप जरूर इसे मतलब डेली यूज के लिए पहन सकते हैं या फिर पार्टी वेयर के हिसाब से भी पहन सकते हैं, बिकॉज इट हैज लाइक लिटिल नॉट डायमंड डॉट्स बट लाइक लिटिल गोल्डन डॉट्स, जो कि काफी प्रिटी लगते हैं. एंड द लास्ट वन दैट आई हैव इज अगेन बाय टाइटन एंड यू वोंट बिलीव दिस इज अराउंड 6 to 7 years ओल्ड एंड दिस डजंट लुक अ डे ओल्ड एट ऑल. तो ये मेरा फेवरेट टाइटन का वॉच है. नाउ यू कैन सी द टाइटन के जो वॉचेस होते हैं जो सिल्वर एंड गोल्ड प्लस डायमंड के कॉम्बिनेशन में है, उन्हें आप इतना ज्यादा पहन सकते हैं. दे आर सच अ गुड इन्वेस्टमेंट. दे स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 2,500 एंड अफोर्डेबल रेंज में अराउंड 7,000 तक आपको मिल जाएगा. गोल्ड के जगह आपको रोज गोल्ड भी मिलता है. सो आई रियली लाइक दिस वॉच. दिस वन वॉज अ गिफ्ट बाय माई मदर. सो ये कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का पैटर्न है एंड देन यू हैव दिस लाइक डायमंड्स ओवर हियर. ये गोल्ड डायल में है, बट अगर आप चाहे तो टाइटन में आपको एक स्क्वेयर डायल का भी मिलता है, कुछ इस टाइप से स्क्वेयर डायल का भी मिलता है. नाउ दिस इज नॉट अवेलेबल, बट मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि ऐसे भी मिलता है. तो वो भी आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं. आई विल लिस्ट जितने भी मुझे मिलते हैं गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड वाले साथ में जो मिलते हैं. आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू परचेज देम, बिकॉज इतने सारे आउटफिट्स के साथ जाते इट्स जस्ट इनसेन. सो दीज वर माई रिकमेंडेशंस दैट यू कैन डेफिनेटली बाय. अफोर्डेबल कैटेगरी में ज्वेलरी थे एंड अफोर्डेबल कैटेगरी में हाई क्वालिटी वॉचेस भी थे. सो प्राइम डे के सेल के दौरान आप डेफिनेटली इन्हें परचेज कर सकते. ऑल ऑफ द लिंक्स एंड रिकमेंडेशंस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां से आप जरूर एक बार ही ट्राई करना एंड यू कैन शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी पता चले कि अमेजोन पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है थ्रू देयर प्राइम सेल. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.